हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो जी, ये संडे मॉर्निंग है और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि लाहौर वाला नाश्ता करूं जो मैं अपने घर पे करती थी। सो यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया तो यहाँ पे मुझे जगह मिल गई लाहौरी मुख चने के नाम से, हमारे घर के पास ही था। तो मैंने कहा मार चलें, चलते हैं। तो हम लोग गए तो वहीं पे नाश्ता करने थे, बट उनका सिटिंग अरेंजमेंट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, सही नहीं था बच्चों के हिसाब से। सो मैंने कहा चलें पैक करवाते हैं और घर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुलचे लगवा रहे थे। अच्छा, मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं सही बनेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ के मैंने एक दफ़ा पहले भी कुलचे खाए हैं, यहाँ के नहीं लेकिन कराची में एक दफ़ा मैंने पहले भी कुलचे खाए थे। तो वो उन लोगों ने रोटी के ऊपर तिल लगा दिए थे, तो वो तो बिल्कुल ही अजीब थे, लेकिन इनकी शक्ल वाकई लग रही थी कि ये कुलचे हैं। तो हम लोग लाए थे कुलचे और मुर्ग चने। तो घर आ गई थी तो घर के फिर सबके लिए चाय वगैरह बनाई, फिर हम लोग सब नाश्ता करने बैठे और चने भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे देखने में। और जब हम खाना खाने बैठे तो यकीन करें ज़रा भी फ़र्क नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही थे जैसे हमारे लाहौर में मिलते हैं। फिर शाम को हम एट्रियम मॉल चले गए थे, यहाँ पे तकरीबन तमाम ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट्स थी। सो सबसे पहले हम अलकरम चले गए। अलकरम में यहाँ पे खद्दर की शर्ट्स थी बहुत प्यारी, और ये 1840 की दो शर्ट्स दे रहे थे। अच्छा, इनके प्रेड कलेक्शन पे भी ऑफ चल रहा था, कहीं पे 40% था और कहीं पे 50% था, और वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे सूट। यहाँ पे इनकी अनस्टिच पे तकरीबन 30% और 40% का ऑफ था। अच्छा, जितना भी ऑफ लगा हुआ था वो ज़्यादातर इनकी समर कलेक्शन पे लगा हुआ था, विंटर पे इतना नहीं था। अच्छा, इस पे भी इन लोगों का 40% और 50% ऑफ चल रहा था। लाइक ये जो टू पीस थे ये तकरीबन 5-5.5 हज़ार के बन रहे थे ऑफ होने के बाद। हम लोग कर रहे थे शॉपिंग और मेरा एज़ यूजुअल अपने बाबा के साथ ले एरिया में थी। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन तमाम ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट ही थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे जीन पे, और जीन पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। लाइक ये जो सूट था तकरीबन 10 हज़ार का था, 3 पीस था और अच्छा लग रहा था देखने में, और ये आफ्टर ऑफ तकरीबन 5 हज़ार का बन रहा था। और ये भी एक ब्लैक सूट था, बहुत अच्छा लगा था। इनके अनस्टिच पे 30% ऑफ था। एक यहाँ पे मुझे येलो सूट बहुत अच्छा लग रहा था, ये इसके ऊपर ब्लू कलर की कुछ एम्ब्रॉयडरी भी थी और इसके साथ दुपट्टा था, 2 पीस सूट था ये, शर्ट दुपट्टा, और इसकी प्राइस थी आई थिंक 3600। अच्छा जी, उसके बाद हम चले गए थे बच्चों के कपड़े देखने। यहाँ पे आउटफिटर पे भी 70% ऑफ था, एंडी बर्ड पे 70% ऑफ था, और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे लेजर क्लब में, यहाँ पे भी ऑफ था। लेकिन इनकी सबसे बुरी चीज़ मुझे क्या लगती है, अगर आपके साइज़ का भी इशू आ गया ना तो ये एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये कहेंगे जो आपके पास है तो है बस, अब इसके अलावा आपको चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं देते। लाइक मिरहा का एक बाजी यहाँ से टॉप ले आई थी और वो बड़ा था, हमने चेंज करने के लिए दिया एंड दे सेड नहीं, चेंज भी नहीं होगा, ना साइज़ छोटा दे रहे। सो इनके अंदर ये बहुत गंदी चीज़ है इस ब्रांड की। सो इस ब्रांड से तो मैंने कह दिया कि बिल्कुल मुझे अब कपड़े नहीं लेने, लेकिन यहाँ पे मुझे रॉम्पर्स वगैरह प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गए थे हम लोग आउटफिटर में। आउटफिटर में बहुत मज़े की सेल लगी हुई थी, ये सारे विंटर्स के ट्राउज़र्स थे और इनकी प्राइस थी 900। और यहाँ पे इन्होंने एक पूरा रैक लगाया था जीन्स का, जिसके ऊपर 50% तकरीबन ऑफ था, जो कि ऑफ के बाद तकरीबन 900 और 1000 की जीन्स बन रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये फुल स्लीव्स टी शर्ट्स थी जो तकरीबन 890 रुपीज़ की थी, लाइक 900 की थी, और ये भी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैं पेयरिंग कर रही थी, ये मुझे ग्रीन टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी फुल स्लीव्स, तो इसके साथ मैं ये इसको पेयर कर रही थी, तो ये प्यारा लग रहा था सूट। खैर, यहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे थे जी खाड़ी पे। खाड़ी पे भी ऑफ चल रहा था, खाड़ी पे भी उसी तरह था कि अनस्टिच पे 30% ऑफ था और जो इनका प्रेड था सारा उसके ऊपर 50% और कहीं पे 70% भी ऑफ था। और ये एक शर्ट थी जो कि ऑफ़ के बाद अच्छा टॉप लग रहा था, ये ऑफ़ के बाद तकरीबन 2500 का बन रहा था, और लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, बस ये गंदी बात थी। खैर, आगे हम लोग को भूख लग गई थी और अमार काफ़ी देर से बैठे हुए थे फूड कोर्ट में, तो हम भी चले गए थे ऊपर ही। फिर हम लोगों ने भी अपने लिए कुछ खाना पीना ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, यहाँ से फारिग होकर हम चले गए थे गुल अहमद। गुल अहमद पे भी इनके जितना भी अनस्टिच था उसके ऊपर 30% ऑफ था, और जितना भी इनका प्रेड था उसके ऊपर 40% ऑफ था।
ओके, यहाँ पे डॉलर वर्ल्ड के नाम से भी एक शॉप थी जहाँ पे ये 1 डॉलर नहीं थी, यहाँ पे डॉलर एंड प्लस लिखा हुआ था, लाइक डिफरेंट प्राइसेस थी इधर, लेकिन इधर चीज़ें बहुत मज़े की थी, इनके पास वैरायटी बहुत थी। और जिस तरह ये है, ये 350 का दे रहे थे ज्वेलरी बॉक्स, और स्टेशनरी भी काफ़ी थी, स्टोरेज बॉक्सेस भी बहुत सारे थे इनके पास, टॉयज़ भी थे काफ़ी, काफ़ी सारी गेम्स थी बच्चों की यहाँ पे। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।